बाय सेल रेंट प्रॉपर्टीज एट propnation.co.in। आज का वीडियो बेस्ड है पाम ड्राइव राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद पर, और ये एक GDA अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड विलाज की सोसाइटी है। 4 साइड ओपन है ये प्रोजेक्ट, इसके चारों तरफ आपको रोड्स मिलती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एक तो ये लो राइज प्रोजेक्ट है और चारों तरफ से ओपन होने का मतलब ये है कि आपको काफी अच्छा वेंटिलेशन, काफी अच्छी सनलाइट और काफी अच्छे व्यूज यहां से मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल राजनगर एक्सटेंशन के सेंटर में, आप इसको कह सकते हो, काफी बढ़िया जगह पर बना हुआ है। और जो यूनिट आज आप देखने जा रहे हैं ये है एक 4 BHK विद 4 टॉयलेट्स। जो प्लॉट साइज है इसका वो है 82 स्क्वायर यार्ड, तो एक छोटी यूनिट है। यहां पर यूनिट में आपको एंट्री जो है वो 2 मिलती है, और अभी क्योंकि इस पे आउटर फिनिशिंग का काम चल रहा है तो बाहर थोड़ा डिस्टरबेंस है, तो हमने यहां से जो एंटर किया है ये इसका लिविंग एरिया है। और लिविंग एरिया के बराबर में आपको एक किचन मिलती है और साथ में इसके डाइनिंग स्पेस है। तो जो सामने आप एरिया देख रहे हैं वो इसका लिविंग स्पेस है, और ये जो एरिया है ये इसका डाइनिंग स्पेस है एज पर दी ड्रॉइंग। और यहां पर आपको जो 2 एंट्री मिलती है उसमें से एक ये है और दूसरी वो है जहां से हमने एंटर किया था। तो इस तरह से ये ड्राइंग और डाइनिंग का कॉम्बिनेशन आपको यहां पर मिल जाता है। इसमें आप चाहें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ड्राइंग स्पेस बना सकते हैं, और जो दूसरा वाला दूर वाला एरिया दिख रहा है उसको आप डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं, क्योंकि किचन आपको उस तरफ मिलती है। और यहां पर आपको ये स्टेयरकेस मिल जाता है जो आपको ऊपर की यूनिट के लिए कनेक्ट कर देता है। इस तरफ इसका किचन है, किचन आपको पूरा वुडवर्क के साथ में मिलेगा। अभी इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है, बहुत जल्द इसका हम एक और वीडियो आपको देंगे जो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में आपको दे देंगे। बट अभी क्योंकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी काफी तेजी से बिक रही है, तो आप अपना डिसीजन बना सकें इस यूनिट को देखकर, एटलीस्ट आपको कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा। इसलिए हमने इस वीडियो को इस स्टेज में शूट किया है। ये एक लिविंग स्पेस का आप फिर से व्यू देख रहे हैं। सामने इसके आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा, तो आप गाड़ी अपनी अपने घर के बाहर ही खड़ी कर सकते हैं, जो कि रिजर्व्ड पार्किंग होगी। और इसके पीछे आपको एक बैकयार्ड मिल जाता है जहां पर आपकी किचन की विंडो ओपन होती है, और साथ ही आपको ये ओपन टू स्काई मिल जाता है। तो यहां पर आपको वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्लास आपको लगकर मिल रहा है, जो ग्रिल मिल रही है इस सीढ़ियों के साथ में, और यहां पर आपको एक विंडो एरिया भी मिल जाता है, तो यहां पर आपको रोशनी की भी कमी नहीं लगेगी और वेंटिलेशन भी आपको इस एरिया में भी मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशंस वाइज ये काफी स्ट्रांग है प्रोजेक्ट, काफी बढ़िया चीजें आपको यूनिट में लगाकर दी जा रही हैं। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, और इस बेडरूम के साथ में आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम्स आपको एग्जैक्टली इसी तरह के डिलीवर किए जाएंगे। अभी इसमें भी कुछ फिनिशिंग होनी बाकी है, बट जो फिटिंग्स हैं वो इसी तरह की लगाकर आपको दी जाएंगी। काफी अच्छे ब्रांड्स, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस पूरी यूनिट में ही प्रयोग किए जा रहे हैं। और इस बेडरूम के साथ में आपको एक बालकनी भी मिलती है जो इस यूनिट के फ्रंट की तरफ ओपन होती है, यानी कि इस लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आपको 2 बेडरूम्स मिल जाएंगे, जिसमें एक के साथ में आपको ये बालकनी मिल जाती है। और जो दूसरा बेडरूम है यहां पर वो है इस तरफ। इस बेडरूम के साथ में आपको कोई बालकनी ऐसे नहीं मिलती है, बट आपको एक काफी बड़ा सा ग्लास एरिया यहां पर मिल जाता है। और साथ ही आपको इस बेडरूम के साथ में
एक अटैच्ड वॉशरूम भी आपको यहां पर मिल जाता है। यहां पर ये फॉल्स सीलिंग वगैरह सब आपको इसी तरह से मिलने वाली है, और जो इसका अटैच्ड वॉशरूम है वो सामने है। और ये जो इसका बैकयार्ड है, बैकयार्ड के पीछे का जो स्पेस है, यहां पर एक ये पूरा क्रिकेट एकेडमी बनी हुई है, तो काफी लंबे समय तक की इसकी लीज हो रखी है, तो यहां पर आपके व्यूज जो है वो ऑलमोस्ट इसी तरह के रहने वाले हैं। कोई यहां पर हाई राइज स्ट्रक्चर बनने की संभावना अभी भविष्य में तो नहीं है। ये इसके साथ में मिलने वाले वॉशरूम का एक क्लोजर व्यू आप देख सकते हैं। यहां पर आपको इसका विंडो स्पेस आपकी स्क्रीन पर है, और जो फिटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, काफी प्रीमियम ब्रांड को यहां पर यूज किया जा रहा है। वॉल माउंटेड आपको यहां पर पूरा कमोड का सिस्टम मिल जाता है। और अब चलते हैं हम इसके सेकंड फ्लोर पर। यहां पर भी आपको इस स्टेयरकेस में भी आपको एक विंडो स्पेस मिल जाती है, और सेकंड फ्लोर पर भी आपको दो बेडरूम्स विद अटैच्ड वॉशरूम मिल जाते हैं। बिल्कुल सेम ही फॉर्मेट है जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पर है, साइजेस भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखे गए हैं। ये इस बेडरूम के साथ में मिलने वाला वॉशरूम, अभी यहां पर फिनिशिंग का काम चल ही रहा है, तो यहां पर अभी फिटिंग्स लगे नहीं है। ये वही बेडरूम है जो फर्स्ट फ्लोर पर आपने देखा जिस तरह से, तो इसके साथ में आपको बालकनी में अटैच मिल जाती है। यानी कि दोनों ही लेवल पे आपको एक बेडरूम के साथ में फ्रंट पे बालकनी मिल जाती है, और बैकयार्ड की तरफ आपको एक ग्लास एरिया मिल जाता है। काफी अच्छा वेंटिलेशन, एक क्रॉस वेंटिलेशन बल्कि आप कहें इसको, तो वो आपको पूरी ही यूनिट में मिल जाता है। और ये इसका सेकेंड बेडरूम इस लेवल का, जो कि एक्चुअल में अगर देखें तो यूनिट का फोर्थ बेडरूम है। एक कॉम्पैक्ट साइज की यूनिट है, बट जो मेन अट्रैक्शन है इस प्रोजेक्ट का, एक तो ये है कि पूरा अप्रूव्ड है, होम लोन्स वगैरह इजीली आपको यहां पर मिल जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक से ये अप्रूव्ड है होम लोन्स के लिए। और ये अभी आप देख रहे हैं इसका अटैच्ड वॉशरूम फोर्थ बेडरूम का, तो यहां पर यदि आप रहते हैं तो एक काफी अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, क्योंकि सभी लोग यहां पर विला वाले ही होंगे आपके आसपास में। और इस बेडरूम से जो व्यूज है बैकयार्ड के, वो कुछ इस तरह के हैं। और एक बार आपको इसकी छत भी दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्टेयर केस पर जो लगाया गया है पीओपी, ये जस्ट टू प्रोटेक्ट द मार्बल लगाया गया है कि यहां पर स्क्रैचेस ना आए। और जो छत भी आपको दी जा रही है वहां पर भी आपको टाइल्स वगैरह इंस्टॉल करके दिए जाएंगे, तो काफी अच्छा एक प्रोविजन करके आपको दिया जा रहा है। काफी प्रीमियम ब्रांड्स के साथ में आपको यूनिट मिलती है, और काफी अच्छी लोकेशन, सारे मार्केट्स वगैरह इसके आसपास ही है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, पूरा ये एक बसा बसाया इलाका है राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद का, और उसके बीचों बीच ये आपके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट हाउसेस यानी कि विलाज पर डेवलप्ड है। कुछ इस तरह का इसका आउटर एलिवेशन रहने वाला है। ये इस यूनिट का यूनिट प्लान है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का, और कुछ इस तरह का इस सोसाइटी का पूरा व्यू रहेगा अगर आप इसको टॉप से देखते हैं तो। और ये इसका पूरा साइट प्लान है,
चारों तरफ से खुली हुई सोसाइटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो लोग पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।